बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ आप सब लोगों को, एंड आज है अपने पास नया प्रोडक्ट, नहीं है मेरा नया पीसी नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, एंड आई जस्ट थॉट कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ मंडे वीडियो, बिकॉज मेरा पीसी अभी तक बना नहीं है. लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस थिंग. काफ़ी भारी है ये वैसे तो. यूज़ अ मैनुअल बस. एंड द थिंग, वैसे ये बॉक्स 11 किलो का था एंड आर सिटी से बाहर आते आते मेरी जो हालत हो गई थी, एंड ऊपर से इसका जो हैंडल है ये सीधा सब टूट गया, एंड अभी मैंने इसको पूरा तोड़ा ऑफिशियली घर पे लाने के बाद. सो बाय द वे मुझे इसकी असेंबली करनी पड़ेगी बिकॉज उसके बिना मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा हैवी होगा, बट इट्स ऑल मेटल सो आई लव इट. आई गेस यूज़र मैनुअल पढ़ लेना चाहिए. सो ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ ट्रेनिंग स्टेशन एंड इट इज़ बेसिकली अ डिप बार, तो मैं घर पे कैलिस्थेनिक वर्कआउट कर सकता हूँ. तो लेट्स जस्ट रीड दिस मैनुअल बिकॉज इट्स एसेंशियल. सेटअप वॉज प्रिटी डिसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे. आई गॉट इट फॉर 4,000 फ्रॉम द डीकैथलॉन ऐप. सो आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है ये, एंड जिम्स तो बंद है आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं. सो मैं वैसे भी बॉडी बिल्डिंग करता था, आई मीन जिम जाता था मैं, एंड आई हैड बिकम वेरी बल्की, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. And I want a pretty lean body and I guess ki I'll stick back to the basics. मैं हमेशा से body weight workout का बहुत बड़ा fan रह चुका हूँ and I guess this pandemic मैंने काफ़ी अच्छे से workout किया है since last 2 months I can say. So now it's time to take it to the next level. So I'll just try some exercises on this, just try, क्योंकि मैंने आज सुबह ही upper body workout किया हुआ है and I am kind of really all right. I don't really want to rush, but yeah, let's see. This is kind of really exciting for me because ye main hamesha se chahta tha. So yeah, so basically this is for the dips. करेक्ट वार्म अप मैंने किया हुआ नहीं है, सो आई डोंट रियली वॉन्ट टू रश थिंग्स. आई टेक इट स्लो, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. सो अगर आप लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, देन ध्यान से अपना फॉर्म करेक्ट रखो एंड जस्ट ट्राई कि आप अपना फॉर्म करेक्ट रख रहे हो एंड यू आर डूइंग द एक्सरसाइज कम्प्लीटली, बिकॉज ज़्यादा इंजरीज हो सकती है एंड मैंने बहुत सारी इंजरीज फेस की अपनी इस जर्नी में. सो या सिर्फ ध्यान रखो गाइस अपना घर पे अगर वर्कआउट कर रहे हो तो, एंड बेसिक वर्कआउट सभी लोगों ने करना चाहिए आई फील, बिकॉज पैंडेमिक में घर पे बैठ के अपनी बॉडी मूवमेंट इतनी होती नहीं है. सो या एवरीवन शुड डू दैट आई गेस. तो अभी फाइनली आज मैं जा रहा हूँ लैमिंगटन रोड टू बाय माई सेल्फ अ पीसी, बिकॉज अमेजोन ने तो बहुत झोल कर दिया बॉस, एंड अभी हम लोग निकलने वाले. मेरी कैब जो है वो मैंने बुक करी है, आई विल पिक भेरू ऑन दी वे. एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं कैब से जा रहा हूँ, मैं बाइक पे नहीं जा रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली अगर मैंने कैबिनेट ख़रीदा, बिकॉज आई हैव टू बाय अ न्यू कैबिनेट, सो आई जस्ट होप आई गेट अ न्यू कैबिनेट, एंड वो मैं बाइक पे लेके नहीं आ सकता तो बहुत ज़्यादा झोल हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न. राइट नाउ द टाइम इज़ 1:15, सो आई जस्ट होप कि मैं 5:30 तक घर पे आ जाऊँ. सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड, पैसे खर्च होने वाले यार. सो गाइस हम लोग अभी ये लैमिंगटन रोड पे दी ओवर क्लॉकर करके शॉप है वहाँ पे आ गए,
एंड कॉम्पोनेंट्स आर हियर एंड माय मित्र एयरवेज हियर एंड एक और चीज कि उसने कर दू कूल गाइस अभी पैसा भी जाने वाला है सब अकाउंट में से तो मेरा फ्रेंड ने भी अभी इज बॉट दिस थर्मल टेक का कैबिनेट एंड इट्स रियली स्मूथ एंड रोहित भाई गेव मी अ गुड डील थैंक यू रोहित भाई घर पे जाके इसको आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद द कंपोनेंट्स बाय वो सो अभी मैं वापस से अपने बेडरूम में आया हूँ एंड मैंने सोचा कि आगे का जो अनबॉक्सिंग है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट टेबल तो है नहीं तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जुगाड़ करता हूँ एंड ये वीडियो में हम लोग आगे मेरे पीसी कंपोनेंट्स को अनबॉक्स करेंगे सो लेट्स गो तो जुगाड़ के लिए अभी अपने पास है ये वाइट बैकड्रॉप एंड मेरा ये जो बेड है मैं यहाँ पे बैठ के अपने सारे वीडियो शूट करता हूँ अपने A7 III पे एंड ये मेरा वॉलपेपर जो है घर में ये मेरा बैकड्रॉप जैसा काम करता है तो अभी मैंने सोचा इस बेड पे मैं ये वाइट बैकड्रॉप डाल देता हूँ सो दैट आई कैन प्लेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑल द बॉक्सेस ऑन दिस सो यार लेट्स गो आई एम रियली एक्साइटेड पता नहीं रिजल्ट क्या होने वाला है सो बाय द वे अभी ये जो लाइट है आई हैव प्लेस्ड इट वन साइड बिकॉज वन पॉइंट लाइटिंग ही मैं करने वाला हूँ बिकॉज दैट्स द इजिएस्ट वे बिकॉज दिस इज अ रियली रियली क्विक व्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ एंड मैं इसको फ़ोन में ही एडिट करने वाला हूँ सो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स तो मैं नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एडिट ऑन अ फोन ऑन कौन से सॉफ्टवेयर में करने वाला हूँ ये भी मेरा अभी तक प्लान नहीं है सो होपफुली आई विल यूज़ इन शॉर्ट और एल्स आई यूज़ काइनेमास्टर लेट्स सी आई मीन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है फ़ोन एडिटिंग के बारे में जस्ट डू दिस बैकड्रॉप सेटअप क्विक यार ये GoPro में ना मैन्युअली सेटअप करने के बाद भी मेरी जो लाइटिंग है आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई इट अभी शटर एंगल मैंने रखा हुआ है 1/48 एंड 24 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ बट स्टिल द लाइट डज नॉट लुक रियली गुड टू मी बट ठीक है अब जुगाड़ व्लॉग बना रहे हैं इट्स ऑल राइट तो ये जो क्रीजेज है ये इतने अच्छे नहीं लग रहे कैमरा पे तो मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको इवन कर देते हैं सो नाउ दिस काइंड ऑफ लुक्स गुड टू मी एंड वी आर रेडी टू गो सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू शो यू गाइस इज दिस इज द ऑल न्यू राइजन 3800X yeah so this is the all new Ryzen 7 3800X processor so ye mera pehla and pehla life ka pehla Ryzen setup hone wala hai so I have got this new processor for my new PC build which is the Ryzen 7 3800X and yeah I mean this is a really really good processor aise sab log ne bola hai to abhi tak पता नहीं कि कैसे वर्क होने वाला है बट आई होप दैट दिस इज़ गोना बी ग्रेट बिकॉज मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी लोगों से सुने हुए हैं जिन लोग के पास ये ऑलरेडी है तो इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं Whoopsies, आई डोंट हैव अ नाइफ तो एक किचन से मैं ये नाइफ उठा के लेके आया हूँ आई शुड प्रोबेबली बाय अ प्रॉपर नाइफ सो या अभी इसका हम लोग करेंगे सील ब्रेक Oops, ओके सो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है Whoa, that's the stock cooler by AMD and it's kind of nice matlab mujhe pata nahi tha ki itna acha stock cooler hai in log ka intel ka stock cooler is like super shit oh the processor bichare jaisa gir gaya ho to okay to ye box ko zara side mein kar dete hain hum so ye box ke andar to aata hai mast wala Ryzen processor to abhi main isko nahi kholunga kyunki main isko build nahi karne wala hu सो बस इतना ही एंड हम लोग ये कूलर देखते हैं स्टॉक कूलर काफ़ी मुझे
ऐसा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगा था देखने को. मन कर रहा है अब मेरा लिक्विड कूलर निकाल के मैं ये लगा दूँ, बट उससे मेरा सीपीयू जलने के चांसेस है, तो मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ स्टूपिडिटी. आई एम गोना यूज़ माय लिक्विड कूलर ओनली. सो इसके अंदर हमको मिलते हैं थोड़े बहुत से केबल्स, एंड इसके ऊपर ऑलरेडी एक थर्मल कंपाउंड अप्लाइड है, प्री अप्लाइड. एंड आई गेस ये केबल्स इसके फ़ैन के ही हैं, सो वी कैन कनेक्ट इट. एंड दिस इज़ आई गेस द RGB केबल, क्योंकि ये फ़ैन में, ये स्टॉक कूलर में यू गेट RGB लाइटिंग एंड द फैन ऑल्सो इल्यूमिनेट्स आई गेस प्रॉपरली. सो दिस इज़ अ रियली रियली ग्रेट कूलर आई कैन से, बट यार यूज़ कर नहीं सकते इसको अनफॉर्चुनेटली. बट ठीक है, मैं इसको ऐसे वर्स्ट केस सिनारोस के लिए बैकअप प्लान बोल के रख सकता हूँ, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग. रियली लाइक इट, लुक्स अपीलिंग. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के तरफ, विच इज़ द Corsair Vengeance RGB Pro. एंड मैंने इस बार 32 GB लिया हुआ है, DDR4 3600 mAh megahertz, एंड दो स्टिक्स है 16:2. तो मैं आगे जाके 64 GB में भी अपग्रेड कर सकता हूँ, आई विल बाय द सेम रैम. बट अभी मुझे इतना बजट में मुझे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे, सो आई जस्ट वेंट फॉर दिस. एंड इसकी प्रॉपर मैं प्राइसिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैं आपको PC बिल्ड वाले वीडियो में बताऊंगा. सो इसको भी फटाक से अनबॉक्स करते हैं, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड. मैं इसको लेके आया हूँ परसों एंड ये ऐसे ही पड़े हुए हैं. सो यप, लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस क्विकली, लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओह माय गॉड, दिस लुक्स एपिक. वाओ, इट जस्ट लुक्स सो गुड, इट्स रियली डोप. आई मीन इसको खोलने का तो मन कर रहा है, लेट्स जस्ट ओपन इट. हाथ में इसको लेके देखना है मुझे कैसे फील होता है ये रैम. ओह माय गॉड, लुक एट इट, द फिनिशिंग एंड ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस. Fuck, this looks so good. Right, so let's move on to the next product, which is the WD M.2 SSD, and it's a 1 TB variant. And इसके ऊपर 5 साल की वारंटी भी मिलती है. इनिशियली मुझे सैमसंग ईवो खरीदनी थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये वाली खरीदी. एंड देर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस क्रूशियल एंड ऑल दैट, बट मैंने सोचा कि यार छोड़ो, लेट्स बाय दिस. एंड दिस इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये 1 TB SSD है. आई एम रियली एक्साइटेड कि PC कितना फास्ट चलेगा इस SSD से, कि क्या रीडिंग्स मिलेंगे हमको एग्जैक्टली देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैं इसको नहीं निकालूंगा यहाँ से, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सी होती है. एंड इसमें मिलता है हमको एक यूज़र मैनुअल, विच इज़ ठीक है, मतलब वारंटी गाइड है आई गेस इसमें, विच इज़ ओके. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, विच इज़ द मदरबोर्ड इटसेल्फ. एंड आई वेंट फॉर द फिट हो रहा है, यस फ्रेम में फिट हो रहा है, मुझे लगा नहीं होगा. सो आई वेंट फॉर दिस MSI Tomahawk MAG B550, एंड दिस इज़ बाई फॉर द बेस्ट मदरबोर्ड आई थिंक मनी कैन बाई फॉर मी इन दिस बजट. तो बजट के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताने ही वाला हूँ सारी चीज़ें. सो इसको फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ मैं. Whoopsie, dust particle. So this is how the motherboard will look like. बहुत ज़्यादा excited हूँ. इसमें ये RGB colors भी है, it looks really good. IO shield को पूरा cover है. And specially I went for this one because इसमें 2 M.2 SSD slots हमको मिलते हैं, so I can upgrade it to one more SSD. So it's kind of really nice, क्योंकि PC बहुत ज़्यादा fast चलेगा and ज़्यादा scene भी नहीं होगा. And I really liked how they have given this
कनेक्टिंग द हार्ड डिस्क कनेक्टर्स ओवर हियर साइड में, तो काफ़ी अच्छा एक अपग्रेड मुझे लगा ये वाला भी, सारे केबल मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इसको फटाक से मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। इसको कैसे करें, ओके यहाँ से करेंगे। ओके सो ये मदरबोर्ड को तो इस प्लास्टिक में से निकालने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज कोई कॉम्पोनेंट इसमें हम लोग आज लगाने नहीं वाले। एंड दिस इज श्योरली रियली इंटिमिडेटिंग फॉर मी राइट नाउ, बट आई एम गोना कंट्रोल, हैव टू जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर, जब तक मेरा कैबिनेट नहीं आ जाता है। एंड आई होप मेरा कैबिनेट बाई दिस ट्यूजडे मैक्सिमम विल बी विथ मी। And yeah, that's pretty much it. That's it for this week's video, guys. This was a pretty simple unboxing kind of a video. And keep in mind, this is not a sponsored video. Koi bhi brand isme se I'm not endorsing it. This is just my personal choice. And maine apne paiso se kharida hai ye sari components ko. So yeah, like ye sari cheezo ko hum log aise janam lete hue dekhenge मेरे पीसी बिल्ड वाले वीडियो में। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन गाइस, बिकॉज दैट विल शो दैट यू सपोर्ट दिस चैनल। एंड इफ यू वांट टू शो मोर सपोर्ट देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन एस्केप द ऑर्डिनरी।